आपको सबसे पहले बताना चाहता हूं कि अल्फाबेट्स जो हम ABCD पढ़ते हैं ये हमारे कोडिंग डिकोडिंग में कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको ABCD लिखूंगा और फिर उसकी नंबरिंग बताऊंगा और फिर उसको याद करने का तरीका बताऊंगा और फिर उसके रिवर्स जो लेटर्स होते हैं उनको भी मैं आपको याद करने की ट्रिक्स बताऊंगा। और आप ध्यान रखिए कि इस वीडियो में आपको हाथ के हाथ ही ये सब चीज़ें याद हो जाएंगी, आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। चलिए देखते हैं अपनी वीडियो। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने हर अल्फ़ाबेट का नंबरिंग करा हुआ है और हर अल्फ़ाबेट का फिक्स मैंने ट्रिक बनाया है। आपको तो अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा क्योंकि मैं आपको ये सब चीज़ों के बारे में समझाने वाला हूँ और मैं आपको दावा करता हूँ कि इस चीज़ को देखने के बाद आपको अल्फ़ाबेट में नंबरिंग में कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आप पूरा फोकस करिए इन पे जो मैं आपको अभी आगे बताने वाला हूँ, हर वर्ड का एक्सप्लेनेशन करूँगा, आप उसको बस रिमाइंड करिएगा, मैं भी 2-3 बार बोलूँगा क्योंकि सुनने से अपन को जल्दी याद होता है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। ए को अपन को पता ही है, A1 होता है, B2 होता है, C3 होता है, D4 होता है। इसके बारे में बताने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि ये ज़्यादातर अपन को याद होते हैं। ओके, D4 होता है, E5 होता है, यहाँ तक अपन को पता रहता है E5। अब मैं स्टार्ट करता हूँ F। F के ऊपर जैसा कि मैंने आप लिखा हुआ है, F मतलब होगा फिक्स। फिक्स इज मीन्स टू सिक्स, फिक्स सिक्स, फिक्स सिक्स। जिस तरीके से मैं बोल रहा हूँ उस तरीके से आपको याद करना है। F मतलब होगा फिक्स, फिक्स का मीन्स होगा सिक्स। अब आगे चलते हैं, G7। आपने सुना होगा ग्रुप ऑफ 7 कंट्री इज कॉल्ड G7। तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ लिखा हुआ है G7। याद करने का इजीली तरीका है, क्या बोलेंगे? G7, ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज। आगे बढ़ते हैं H। अब H मैंने इस तरीके से ऊपर बनाया है, आपको इंडिकेशन दिख रहा होगा लेकिन मैं आपको इसको समझाता हूं। H, जब मैंने H के ऊपर ये दो बार्स लगा दिए वेनाकुलम, तो ये क्या बन गया? लुकिंग लाइक से 8। तो H इज लुकिंग लाइक से 8, H इज लुकिंग लाइक से 8। आगे बढ़ते हैं I know, जैसा कि आप देख पा रहे हैं I know। J10 और K11, अपन इन दोनों को एक साथ याद करने की कोशिश करेंगे। जम्मू एंड कश्मीर में 10-11 गोलियां रोज चलती हैं। क्या बोलना है? जम्मू एंड कश्मीर में 10-11 गोलियां रोज चलती हैं, वैसे भी जनरली चलती ही हैं, तो जम्मू एंड कश्मीर में 10-11 गोलियां रोज चलती हैं। आगे बढ़ते हैं, अपना आएगा L4 लायन। सबने पढ़ा होगा L4 लायन। लायन को देखते ही 12 बज जाना स्वाभाविक है। तो अपन कैसे याद करेंगे? L4 लायन, लायन मीन्स लायन को देखते ही 12 बज गए, लायन को देखते ही 12 बज गए। अब अपन बात करते हैं M की। M का है मेरा तेरा, मेरा तेरा, मेरा तेरा, इजिली याद कर सकते हैं M13, मेरा तेरा। अब अपन जानते हैं M N का रिवर्स होता है क्योंकि हर रिवर्स लेटर का सम 27 होगा, हर रिवर्स लेटर का सम 27 होगा, ये भी चीज़ आपको रिमेम्बर रखनी है, हर रिवर्स लेटर का सम 27 होगा। तो M 13, तो ओबियस सी बात है N, ओबियस सी बात है 14, M 13 N 14। आगे पढ़ते हैं O की ट्रिक्स। O की ट्रिक को मैं R और S से रिलेट करूँगा, ओ की ट्रिक को मैं आर और एस से रिलेट करूंगा। तो दोनों को कंसोलिडेट करके क्या बना? 15 और 18 साल के बच्चे को ओ आर एस पिलाते हैं। क्या बोलेंगे? 15 और 18 साल के बच्चे को ओ आर एस पिलाते हैं। क्या बोलेंगे? 15 और 18 साल के बच्चे को ओ आर एस पिलाते हैं। ईजिली याद हो जाएगा कि ओ 15, आर 18 और एस आर के बाद आता है तो 19। ओके, पी, पी मतलब एक 16 साल का प्रिंस है जिसकी 17 साल की क्वीन से शादी होने वाली है। 16 साल का प्रिंस 17 साल की क्वीन से शादी करेगा। क्या बोलेंगे? 16 साल का प्रिंस 17 साल की क्वीन से शादी करेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। एस और टी, हम जानते हैं ST SC में 19-20 का फर्क है, तो हम एस को यहां से भी याद कर सकते हैं। ST SC में 19-20 का फर्क होता है।
एसटीएससी में 19-20 का फर्क होता है। दोस्तों ये याद करने की ट्रिक है, 19-20 में एसटीएससी में 19-20 का फर्क होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यू 21, यू किस, यू गिव मी ए किस, अपन जनरली ये ट्रिक है एक तरीके का, यू गिव मी ए किस, अपन इसको इससे इजीली याद कर सकते हैं, यू गिव मी ए किस, ओके, यू गिव मी 21, 21, यू गिव मी 21, यू गिव मी 21, ओके, वी बाइस, वी बाइस, वी, वी साउंड लाइक ए वी, वी साउंड लाइक ए वी, वी हम दो हमारे दो, बाईस हम दो हमारे दो, बाईस वी, बाईस हम दो हमारे दो, वी साउंड लाइक ए वी, हम दो हमारे दो, इजिली याद कर सकते हैं फ्रेंड्स। डब्ल्यू, डब्ल्यू मतलब 23, आपन कैसे याद करेंगे इसको, इसका जनरल तरीका ये है कि एक आदमी को 24 घंटे काम नहीं करना चाहिए, चाहे वो 23 घंटे कर ले, तो 24 घंटे वर्क नहीं करना चाहिए, तो W क्या होगा, 23 होगा, 24 नहीं होगा। एक आदमी को 24 आवर वर्क नहीं करना चाहिए, तो W का मीन्स क्या होगा, 23 होगा। आगे बढ़ते हैं, जब हमने बोला था कि एक बंदे को 24 घंटे काम नहीं करना चाहिए, तो 23 घंटे काम करेगा तो वो W हो जाएगा। अब नहीं करना चाहिए, तो नहीं को किस तरीके से डिनोट करते हैं, X के थ्रू करते हैं, लगता X जैसा है, तो 24 घंटे नहीं करना चाहिए, तो X भी इसी में ही आ गया है। आप ध्यान से समझिए, एक बच्चे को 24 घंटे वर्क नहीं करना चाहिए, तो 23 घंटे करना चाहिए वर्क, और नहीं करना चाहिए X 24, ओके। आगे बढ़ते हैं, Y Z इजिली याद हो जाएगा फ्रेंड्स, 25 एंड 26। नाउ हम पढ़ते हैं आगे इनका रिवर्स चीजें, रिवर्स हर लेटर का रिवर्स क्या होगा, आगे मैं बताने वाला हूं आपको, ओके फ्रेंड्स। अब हम रिवर्स लेटर की ट्रिक्स की बात करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कोडिंग डिकोडिंग के लिए, और हर किसी अल्फाबेट की रिवर्स होना, रिवर्स का पता होना बहुत जरूरी है, जितना कि उसकी नंबरिंग का पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बैंक, एसएससी, रेलवे सब में इसका रिवर्स, और रिवर्स के बाद ही इस क्वेश्चन को ट्रिकी बनाया जाता है। तो हम इसको इतनी इजी ट्रिक से याद करने वाले हैं, और एक बार अगर आप इसको याद कर लेंगे तो कभी नहीं भूल पाएंगे। आइए देखते हैं मेरे साथ इस ट्रिक्स को। देखिए मैं इस ट्रिक्स को जो आपको बताने वाला हूँ, इस ट्रिक को मैं एक कहानी के थ्रू आपको बताऊंगा, और इस कहानी को आप पूरी सुनिए, आपको एक भी अल्फाबेट ऐसा नहीं बचेगा जिसका आपको रिवर्स याद नहीं हो पाएगा। आप मेरी कहानी पूरी सुनिए, जिस तरीके से मैं आपको अब डिक्टेट करने वाला हूँ। देखिए, अजीज नाम का एक बॉय है, अजीज नाम का एक बॉय है, जिसको क्रैक्स खाना और ड्यू पीना बहुत पसंद है। अजीज नाम का एक लड़का है, जिसको क्रैक्स खाना और ड्यू पीना बहुत पसंद है, लेकिन उसका ईवीएस का एग्ज़ाम है। ईवीएस का एग्ज़ाम होने के बावजूद वो फालतू मूवी देखने गया। उसका ईवीएस का एग्ज़ाम है, क्यों, उसके बाद भी वो फालतू मूवी देखने चला गया है, और क्या लेके गया है साथ में, क्रैक्स और ड्यू। समझ रहे हैं दोस्तों, अजीज नाम का एक लड़का है, उसका ईवीएस का एग्जाम है, और उस एग्जाम होने के बाद भी वो फालतू मूवी देखने चला गया है, और क्या लेके गया है, क्रैक्स और ड्यू, क्योंकि वो दोनों उसको पसंद है, ओके। आगे बढ़ते हैं, ये ऐसा उसका एग्जाम होने के बाद भी वो मूवी देखने गया है, वो ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि वो अपने आप को बहुत ग्रेट समझता है, क्योंकि वो अपने आप को बहुत ग्रेट समझता है, इसलिए दोस्तों वो मूवी देखने गया है उसका ईवीएस का एग्जाम होने के बाद भी, और उसको क्रैक्स और ड्यू खाना, ड्यू पीना बहुत पसंद है, ओके। और वो अपने आप को ग्रेट क्यों समझता है, क्योंकि उसके हायर सेकेंडरी और इंटर में बहुत अच्छे मार्क्स थे, इसलिए वो अपने आप को ग्रेट समझता है। वो ऐसे सोचता है कि हायर सेकेंडरी और इंटर का जैसा ही एग्जाम होगा ईवीएस, इसलिए वो अपने आप को ग्रेट समझता है, और इसके बाद ही वो फालतू मूवी देखने चला गया, और अपने साथ क्रैक्स और ड्यू लेके चला गया। अब इंटर का एग्ज़ाम, इसका ईवीएस का एग्ज़ाम हुआ, और उसका रिजल्ट आ गया दोस्तों। अब रिजल्ट के बाद उसको पता चला कि वो फेल हो गया, अब उसके घर वालों ने उसकी पिटाई लगा दी। पिटाई लगाने के बाद अब उसने घर वालों ने उस घर वाले के सामने वो कुछ बोलने लायक तो रहा नहीं, तो घर वालों ने कहा, अब बेटा तेरी जंगल क्यून से शादी करवाएंगे, अब तेरी जंगल क्वीन से शादी करवाएंगे।
अब वो मजबूरन उसको शादी करनी पड़ी क्योंकि उसका AVS का एग्जाम बिगड़ चुका था, क्योंकि वो फालतू मूवी देखने चला गया था, क्योंकि वो अपने आप को ग्रेट समझता था। इस ग्रेट किस लिए समझता था? क्योंकि उसके हायर सेकेंडरी और इंटर में बहुत अच्छे मार्क्स थे और EVS में भाई साहब फेल हो गए। तो घर वालों ने जबरदस्ती उसकी जंगल क्यून से शादी करवा दी। अब जंगल क्यून से शादी हो गई तो शादी में कुर्ता पजामा तो पहनेगा ही मेरा दोस्त अजीज, मेरा दोस्त कुर्ता पजामा तो जरूर पहनेगा शादी में। इसका कुर्ता पजामा जंगल क्यून, दोस्तों समझिएगा, उसकी जंगल क्यून से शादी करा दी और उसको कुर्ता पजामा मिले शादी में, और क्या मिला? लोटो के शूज। कुर्ता पजामा के ऊपर लोटो के शूज मिले उसको, और इसके बाद वो जेंटलमैन बन गया, वो अजीज नाम का लड़का मैन बन गया। आप देख सकते हैं MAN। अब हम इसकी ट्रिक्स को डिक्टेट करते हैं कि ये किस तरीके से याद करना है आपको। दोस्तों अजीज नाम का लड़का था, A का रिवर्स Z, अजीज नाम का एक लड़का था तो बॉय था तो B का रिवर्स बाय। ईजिली याद हो जाएगा दोस्तों, दिमाग से सोचिए और इस चीज ट्रिक को बार बार देखिए और मेरी बात सुनिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ कि आपके दिमाग में एक बार बात बैठ जाए और कभी ना निकले। दोस्तों देखिए, अजीज नाम का एक बॉय है जिसका रिवर्स वाई है, आप ऊपर टेबल में देख सकते हैं। क्रैक्स उसको खाना पसंद है और ड्यू उसको पीना पसंद है, ठीक है। तो सी का रिवर्स एक्स और डी का रिवर्स डब्ल्यू। ओके दोस्तों आगे चलते हैं। उसका EVS का एग्जाम है, फिर भी वो फालतू मूवी देखने चला गया है, F का रिवर्स U, आप टेबल में देख सकते हैं दोस्तों, फालतू मूवी फिर भी देखने चला गया है क्योंकि वो अपने आप को ग्रेट समझता है, G का रिवर्स T, आप देख सकते हैं दोस्तों, क्योंकि वो अपने आप को ग्रेट समझता है इसलिए EVS का एग्जाम होने के बाद भी वो मूवी देखने चला गया है। ग्रेट क्यों समझता है? क्योंकि उसके हायर सेकेंडरी HS, हायर सेकेंडरी H का रिवर्स S में उसके अच्छे मार्क्स थे और इंटर में भी भाई साहब के अच्छे मार्क्स थे, IR इंटर में भी उसके अच्छे मार्क्स थे, लेकिन वो फेल हो गया EVS के एग्जाम में। E का रिवर्स V, EVS के एग्जाम में वो फेल हो गया तो घर वालों ने उसकी जंगल क्यून से शादी करवा दी। J का रिवर्स Q, इजिली याद कर सकते हैं दोस्तों, देखिए कितना आसान है, जंगल क्यून से उसकी शादी करवा दी है। तो शादी में तो सीधी सी बात है कपड़े तो मिलेंगे ही, तो उसको कुर्ता पजामा सिलवाया गया, उसको कुर्ता पजामा शादी में मिला। KP कुर्ता पजामा KP, और उसके साथ क्या मिला? लोटो के शूज मिले। मेरे दोस्तों देखिए, आप देख सकते हैं उसको लोटो के शूज मिले हैं, और जब कुर्ता पजामा, और कोई इंसान कुर्ता पजामा और लोटो के शूज पहनेगा तो वो मैन बन जाएगा। M का रिवर्स N, आप देख सकते हैं दोस्तों, आपको ये ट्रिक आसानी से समझ में आ गई होगी, और अगर आपको एक बार इसको याद कर लेंगे तो नामुमकिन है आपको ये भूलना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है। मैं आपको इसके इस ट्रिक से रिलेटेड आगे क्वेश्चन कराने वाला हूँ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इजीली उनको क्रैक कर पाएंगे। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये ट्रिक्स आसानी से समझ में आ गई होगी। प्लीज़ इस ट्रिक के बाद लाइक ज़रूर करिएगा वीडियो को, मैं आगे क्वेश्चन का सेशन लेके आ रहा हूँ। जैसा कि आपने अभी ट्रिक सुना और देखा, उसको समझा, इसके बाद मैं कुछ आपके सामने क्वेश्चंस लाया हूँ। क्वेश्चंस का लेवल SSC, बैंक के एग्ज़ाम और रेलवे के एग्ज़ाम सबके लिए इम्पोर्टेंट है, और मैंने ये क्वेश्चंस का लेवल इजी टू हार्ड किया है। चलिए आइए इन क्वेश्चनों को करते हैं, और मैं आपसे विनती करता हूँ कि इन क्वेश्चनों को करने से पहले इस वीडियो को पॉज कर लें, इसके बाद आप इन क्वेश्चनों को खुद सॉल्व करके देखें, मैं यहाँ पे सॉल्यूशन कर रहा हूँ। ओके, मैं स्टार्ट करता हूँ कि इसकी कोडिंग की गई है, मैथ इज कोडेड एज SGZN, मैथ इज कोडेड एज SGZN। हमें सबसे पहले ये सोचना है कि इस क्वेश्चन की कोडिंग किस तरीके से की गई होगी, क्योंकि इस समानुपात का मतलब होता है, इनका मतलब होता है कि इसको इस तरीके से दिखा गया है। अब बार को हम इसकी कोडिंग, जिस तरीके से मैथ की कोडिंग SGZN की गई है, अब बार की कोडिंग किस तरीके से की जाएगी, इस क्वेश्चन का मेन मकसद ये होता है। तो हम इस कोडिंग को समझने की कोशिश करेंगे, और जिस तरीके से मैंने आपको सारी ट्रिक्स बताई हैं वो एज इट इज़ लगने वाली है। यहाँ पे आपने अगर ध्यान से देखा है तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे M आ रहा है, और मैंने बताया था M का मैन बन गया था, वो बंदा मैन बन गया था। अब यहाँ पे कहीं N आ रहा है क्या? बिल्कुल आ रहा है, रिवर्स हो रहा है इसका, मैन बन गया था, रिवर्स ऑफ M,
मैन। ओके, जैसे कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों। अब अगला देखते हैं ए, ए का क्या होता है, जेड। तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि ए की कोडिंग ए का रिवर्स जेड किया हुआ है। तो इसका मैंने आपको बताया था दोस्तों, अजीज नाम का एक लड़का था। इस तरीके से हमें कोडिंग समझ में आ गई है कि पर्टिकुलर अल्फाबेट का रिवर्स हमें दिखाया गया है। टी का बताया था जी, टी का बताया था जी, ग्रेट, क्योंकि वो अपने आप को ग्रेट समझता था। आपको मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जिस तरीके से आपने ग्रेट याद किया है, आपको कॉमन सेंस से जी का टी होता है तो टी का जी भी याद रखना है। आपको ये कॉमन सेंस खुद डेवलप करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वो ग्रेट हो गया था जी टी, इस तरीके का टी का रिवर्स जी होता है। जिस तरीके से इसकी कोडिंग की गई है मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। हायर सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी एच एस, इसका रिवर्स। तो हम अब बार का आंसर देते हैं अपने, हमें पता लग गया है इसमें रिवर्स रूल, रिवर्स का रूल लग रहा है। बी, बी का, अब आप उनको पता है कि एम का अपने लास्ट में लिया था, एन, एम का रिवर्स अपने लास्ट में लिया था। तो यहाँ पे फोर वर्ड ही, फोर लेटर ही आने वाले हैं, ये तो पता ही चल गया क्योंकि फोर फोर की कोडिंग की गई है। तो बी का, बी का मैंने बताया था बॉय, बी का रिवर्स एक बॉय था, बी अजीज नाम का एक बॉय था। आप देख सकते हैं दोस्तों, बी का रिवर्स वाई, ए का अजीज, इसी तरीके से ए का रिवर्स जेड। देख सकते हैं दोस्तों, आर का रिवर्स मैंने बताया था आपको। अब आपको ये याद रखना है, मैंने आपको बताया था इंटर, इंटर आर का आई आर होता है। जिस तरीके से मैंने आपको इंटर बताया था, आपको कॉमन सेंस से थोड़ी बहुत प्रैक्टिस से ये भी सोचना है कि आर का आई भी होगा, आर का रिवर्स होगा आई, इंटर। के का कुर्ता पजामा, दोस्तों ये आपको याद रखने पड़ेंगे, आपको रिवर्स उसका भी रिवर्स याद रखना पड़ेगा कि के पी कुर्ता पजामा। इस तरीके से आपको बार की कोडिंग दिख गई है, पी आई जेड वाई। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम लेके चलते हैं, ए बी सी डी, ए बी सी डी इज कोडेड एज जेड वाई एक्स डब्लू। जिस तरीके से इसकी कोडिंग की गई है हमें साफ साफ दिख रहा है कि ए का रिवर्स जेड होता है क्योंकि अजीज नाम का एक लड़का था। ये मैंने सिंपल क्वेश्चन लिया है जिससे आप इसको समझ सकें कि इसमें किस तरीके से कोडेड की होती है। ऐसा ही नहीं कि हर चीज़ का रिवर्स होगा, रिवर्स के आगे पीछे भी वर्ड्स हो सकते हैं। जैसे आगे आने वाले क्वेश्चनों का लेवल थोड़ा हार्ड है, आप इनको समझने की कोशिश करिए और हर्ड वर्ड का रिवर्स याद करिए और हर वर्ड का नंबर याद करिए। जैसे कि देख सकते हैं दोस्तों, ए का रिवर्स जेड होता है, बी का रिवर्स बाई होता है, बॉय, सी क्रैक्स, डी डब्लू डब्लू। अब इस तरीके से कोडिंग की हुई है कि हर किसी अल्फाबेट का रिवर्स लिया है, ठीक है। तो अब इसी तरीके से यहाँ पे हमको चार वर्ड की ही कोडिंग है, जिस तरीके से अपन को दिख रहा है ए बी सी डी का जेड वाई एक्स डब्लू। सिमिलरली अब यहाँ पे दिया हुआ है, इसका रिवर्स आएगा यहाँ पे के का आएगा पी, के का पी कुर्ता पजामा, जे का जंगल क्वीन, जे का जंगल क्वीन से शादी करवाई थी, जैसा कि दोस्तों आपको याद होगा। आई, आई उसका इंटर, इंटर उसका इंटर में मार्क्स अच्छे थे। हायर सेकेंडरी एच एस, एच एस तो पी क्यू आर एस हो गई, के जे ए आई एच की कोडिंग पी क्यू आर एस, जिस तरीके से आप देख सकते हैं दोस्तों। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अब मैंने इंग्लिश को इस तरीके से कोड किया है, इंग्लिश को ई एन जी एल आई एस एच पर्टिकुलर वर्ड की कोडिंग डब्ल्यू एन यू ओ एस आई टी, इस तरीके से की गई है। अब आप समझिए दोस्तों कि ये कोडिंग किस तरीके से की गई होगी। अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे अब ई का रिवर्स क्या होता है, वी। सबसे पहले ई का रिवर्स देखेंगे, वी, वी अपन को कहीं दिख रहा है इसमें, नहीं दिख रहा। आगे चलते हैं, एन, एन का रिवर्स होता है एम, ये नहीं, ये भी नहीं दिख रहा है। जी, जी का रिवर्स नहीं दिख रहा है, जी का रिवर्स भी नहीं दिख रहा है अपन को। तो हम क्वेश्चनों को अब समझने का तरीका बताता हूँ आपको कि कैसे पहुँचेंगे आप क्वेश्चन के आंसर तक, कि मैं इन क्वेश्चनों का आंसर कैसे दे सकता हूँ या फिर आप इन क्वेश्चनों का आंसर ईजिली कैसे देते हैं ना। देखिए अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इंग्लिश इज कोडेड एज डब्ल्यू एन यू ओ ओ आई टी, ओ एस आई टी, जिस तरीके से ये लिखा हुआ है। दोस्तों देखिए, अब एल का रिवर्स हमें मिला है ओ, तो सीधी सी बात है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन वर्ड, सेवन लेटर का ये वर्ड है, इसका सेवन लेटर में कोडिंग ही है, तो यहाँ भी सेवन लेटर का ही आएगा, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन। जिस तरीके से देख सकते हैं आप दोस्तों कि L का रिवर्स O मिला है हमें, तो वन टू थ्री फोर, फोर्थ लेटर का रिवर्स O मिला है,
तो सीधी सीधी बात है कि ऑब्वियस ही बात है इसके फोर्थ लेटर का रिवर्स टी, टी का रिवर्स भी बीच में ही आएगा, टी का रिवर्स होगा ग्रेट, क्योंकि वो ग्रेट समझता था, जी टी ग्रेट समझता था वो अपने आप को, टी का रिवर्स जी लिखेंगे। जिस तरीके से हमने देखा दोस्तों टी का रिवर्स जी हो रहा है, आगे देखते हैं हम डब्लू तक कैसे पहुंचेंगे, ई का डब्लू तक कैसे पहुंचेंगे, या फिर ई की कोडिंग किस तरीके से किसी और अल्फाबेट के साथ की हो, ये हमें नहीं पता है दोस्तों। अब हम क्वेश्चन तक पहुंचने के लिए कोशिश करते हैं कि ई का रिवर्स हम जानते हैं, ई वी एस का एग्जाम दिया था, इसका मतलब होता है 22, इसका मतलब होता है 22। मैं दोस्तों आपसे कहना चाहूँगा, अगर इस तरीके के क्वेश्चन आप करने चाह रहे हैं और पैटर्न आप समझ सकते हैं कि आसानी से पता नहीं चलता है, तो इस चीज़ को समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको पर्सनली सलाह देना चाहूँगा कि इन सब के अल्फ़ाबेट्स के, इनके लेटर्स के आप नंबरिंग ज़रूर कर लें। इन सब की नंबरिंग करने से आपको ये पता लग जाएगा कि इन वर्ड्स में प्लस हो रहा है, माइनस हो रहा है, या वर्ड का रिवर्स हो रहा है, क्योंकि रिवर्स का अपन जानते हैं दो वर्ड्स के रिवर्स का सम होता है 27। हम बताने वाले हैं आपको कि इसका नंबर होता है 5, अपन ने पढ़ा था कि ए बी सी डी ई, ई का 5, एन एन एम एन, एम का 13 होता है, मेरा 13, और एन उसका अगला 14, तो एन का हो गया 14, जी 7 ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज, जी 7 ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज, एल 12 लायन को देखते ही 12 बज जाते हैं, ओके आई नो एस एसटीएससी में 19-20 का फर्क है, 19 एच लुकिंग लाइक से 8। तो इन चीज़ों की नंबरिंग लिखने से हम उसकी कोडिंग तक आसानी से पहुंच सकते हैं दोस्तों। देखिएगा मैं आपको आंसर तक कैसे लेके जाता हूं। देखिए अब डब्लू का भी अपन जानते हैं कि डब्लू का क्या बताया था कि 24 घंटे वर्क नहीं करना चाहिए, तो वर्क डब्लू से डिनोट है, तो कितने घंटे वर्क करेंगे, 23 ओके। एन उसी तरीके से एन का 14 यू गिव मी इक्कीस ORS 15 या फिर 18 साल के बच्चे को ORS दिया जाता है, 15 S उन STSC में 19-20 का फर्क है, 19 STSC में 19-20 का फर्क है दोस्तों। जैसा कि हमने हर पर्टिकुलर लेटर का नंबरिंग कर दिया है, अब मैं बताता हूँ आपको आंसर तक कैसे पहुँचा जाता है, कि अब पता कैसे चलेगा कि इसकी कोडिंग किस तरीके से की गई है। देखना दोस्तों जिस तरीके से मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये 22 का क्या कह रहा है, इसने 23 किया है, 22 का इसने किया है 23। देखिएगा दोस्तों जिस तरीके से हर किसी वर्ड की नंबरिंग कर चुका हूं मैं, अब आगे बढ़ते हैं हम इस क्वेश्चन के आंसर तक किस तरीके से पहुंचेंगे वो मैं बताने जा रहा हूं आपको। बिल्कुल इजी है, पेशेंस से इस वीडियो को देखिए, आप पूरा देखिए, जिस तरीके से आप हर किसी कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन को, SSC लेवल के क्वेश्चन या बैंक लेवल के क्वेश्चन या फिर किसी भी रेलवे के क्वेश्चन आसानी से बना पाएंगे, आप ध्यान से समझिएगा। ई का 5 होता है, ई दे रखा था हमारे पास, ई का 5 होता है, इसका मैंने रिवर्स लिख दिया यहाँ पे 22, ठीक है। अब एन का रिवर्स होता है 13, एन का रिवर्स होता है 13, मैन बन गया था, आपको पता है एन का रिवर्स होता है 13, मैन बन गया था। अब देख रहे हैं इसके रिवर्स का प्लस 1 हो रहा है, 23। आगे नंबरिंग लिखने का ये फायदा है कि हमें पता लग जाएगा, हर पर्टिकुलर लेटर की नंबरिंग लिखने से पता लग जाएगा कि इसके साथ क्या हो रहा है। इसी तरीके से एन का रिवर्स 13 का प्लस 1 14। इसी तरीके से जी का रिवर्स होता है टी, जी का रिवर्स होता है टी, टी को अपन बोलते हैं ग्रेट, जी टी ग्रेट था, ग्रेट समझता था वो अपने आप को, जी टी का होता है 20 का प्लस 1 किया है दोस्तों, देखिएगा साफ साफ दिख रहा है, यू का प्लस 1 किया है। तो हमें कोडिंग समझ में आ गई है कि पर्टिकुलर अल्फ़ाबेट के रिवर्स का प्लस 1 आगे हमें दिखाया गया है, ठीक है। अब हम पैटर्न की कोडिंग करते हैं, जिस तरीके से हमें पता चला है कि पर्टिकुलर अल्फ़ाबेट पी का क्या है, कुर्ता पजामा, पी का रिवर्स क्या है, के, पी का रिवर्स हो जाएगा के, के का प्लस 1, के होता है अपना, के बताया था मैंने आपको जम्मू कश्मीर में 10-11 गोलियां रोज चलती हैं, के प्लस 1 12
12, 12 को क्या लिखेंगे अपन, लायन को देखते 12 बज जाते हैं, एल। ओके दोस्तों, आप समझिए कि मैंने पी, पी का रिवर्स किया, रिवर्स लेटर का नंबर क्या होता है 11, उसमें प्लस 1 करना था 12 आएगा, 12 का लिखा एल, 12 का लिखा एल क्योंकि लायन को देखते ही 12 बज जाते हैं, 12 का लिखा मैंने एल क्योंकि लायन को देखते ही 12 बज जाते हैं। ए का रिवर्स दोस्तों जेड होता है, जेड का प्लस 1। अब यहाँ देखिए ट्विस्ट है दोस्तों, जेड, ए का रिवर्स जेड होता है, इसका प्लस 1 ए ही होता है दोस्तों, क्योंकि साइकिल चलती है ए से जेड, जेड से ए, ए से जेड, जेड से ए, इसलिए मैं दोस्तों कह रहा था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान से समझिएगा। जेड, जेड का रिवर्स जेड का अगला ए, टी, टी का रिवर्स जी का रिवर्स, टी का रिवर्स जी होता है, आप जानते हैं दोस्तों ग्रेट, टी का रिवर्स जी होता है, जी का अगला एच, आप देख सकते हैं दोस्तों हमारी कोडिंग चल रही है टी, इसमें बीच के अल्फाबेट एल का सीधा सीधा ओ लिया था तो हमने टी का सीधा सीधा जी कर दिया, जिस तरीके से कोडिंग की गई थी इसकी। ई, ई की अगली, ई का रिवर्स होता है वी, ई का रिवर्स होता है वी, वी का प्लस 1 23, वी होता है हम दो हमारे दो 22, 23 टू वी डब्लू, ई की कोडिंग हो जाएगी डब्लू। इसी तरीके से आर लेके चलते हैं दोस्तों, आर इंटर, इसका रिवर्स होता है इंटर, आई, आई का प्लस 1 करना होता है दोस्तों, आई का रिवर्स हो जाएगा जे, आई का प्लस 1 करेंगे दोस्तों जे आएगा। एन, एन, एन का रिवर्स होता है एम, एम, एम का रिवर्स, एम, एन का रिवर्स है अपन जानते हैं मैन, इसका प्लस 1 करेंगे 14, 14, 14 का होता है एन। ये हो गई दोस्तों अपनी इसकी कोडिंग पैटर्न की, आप देख सकते हैं दोस्तों बहुत आसान है, मैंने बताया आपको किस तरीके से आपको क्वेश्चन तक पहुंचना है, ये जरूर बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किस तरीके से क्वेश्चन पे पहुंच पाएंगे, क्योंकि ये चीज़ें आपको टिप्स पे होंगी तो आप इजीली किसी भी क्वेश्चन को क्रैक कर सकते हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं इसको। मैं अगला क्वेश्चन लेके चलता हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों ये है लास्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में भी कुछ ना कुछ ट्विस्ट है, जैसा कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चनों में बताया है कि हर क्वेश्चन का पर्टिकुलर कोडिंग की होती है, हर लेटर का, हर वर्ड का पर्टिकुलर कोडिंग की हुई है। मैं उस कोडिंग को आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप आंसर तक कैसे पहुँच पाएंगे, जिस तरीके से मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था उसी तरीके से इस बार भी मैं आपको यही कहूँगा कि हर वर्ड का आप नंबरिंग कर लीजिए, तो आध के आध क्वेश्चन करते समय 19, आप जानते हैं इसका 20 होता है, इसका 21 होता है, डी का 4 होता है, वाई का 25 होता है। ये आपको कोडिंग, इसकी नंबरिंग याद होनी चाहिए, क्योंकि हम आगे क्वेश्चन के, क्वेश्चन तक पहुंचने के लिए ये सब चीज़ें हमें पता होना चाहिए, और हर किसी का रिवर्स का पता होना चाहिए। अपन जानते हैं हायर सेकेंडरी ग्रेट समझता था अपने आपको, फालतू मूवी देखने गया था, ड्यू पीता था, बॉय था, तो ये हर किसी, इसका रिवर्स हो गया, अपन देख सकते हैं दोस्तों। देखिए इसकी भी नंबरिंग कर लेते हैं हाथ के हाथ, 8, जी 7, ग्रुप ऑफ 7 कंट्री, एफ फिक्स 6, डब्ल्यू 24 घंटे वर्क नहीं करता था 23 घंटे करता था, बी 2। अब मैं इसी तरीके से इसकी देखूंगा फटाफट, इसकी नंबरिंग करूंगा 7, 6, 7, हम दो हमारे दो 1। ओके, अब मैं इसका हाथ फटाफट रिवर्स भी लिख दूंगा, ईजिली याद होगा, टिप्स पे होगा तो ईजिली आप इनका रिवर्स भी आसानी से लिख सकते हैं। ग्रेट समझता था फालतू, ग्रेट समझता था ईवीएस का एग्जाम था उसका, और अजीज नाम का लड़का था। इसी तरीके से इसकी नंबरिंग कर दी 20, 21, 25 और 26। अब देखना दोस्तों अपन आंसर तक कैसे पहुंचेंगे, ईजिली पहुंच सकते हैं। देखिए इसी तरीके से मुझे ट्रेन का करना है, ट्रेन, ट्रेन का 20, 18, 1, 9 और 14। सबसे पहले मैंने इसकी नंबरिंग करी ट्रेन की, मैंने इसका रिवर्स लिखा ऊपर, जी आई जेड आर एम, मैंने इसकी नंबरिंग करी 7, 9, 26, आर 18, एम एन 13।
ये मैंने नंबरिंग करी है दोस्तों, आपको इजीली इसकी नंबरिंग याद होगी। मैंने जिस तरीके से आपको आगे बताया है आप इसकी नंबरिंग याद कर सकते हैं। अब हम इसके आंसर तक पहुंचेंगे, बहुत ही आसान हो गया है दोस्तों। मैं आपको बता नहीं सकता कि ये बहुत ही बेसिक ट्रिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है, और आप इसको अगर अच्छे तरीके से याद करेंगे तो किसी भी क्वेश्चन को क्रैक कर सकते हैं, मेरा दावा है। आप देखिए इसका आंसर हम किस तरीके से देते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, मैंने पर्टिकुलर वर्ड का आपको नंबरिंग लिखा है, उसका रिवर्स लिखा है। ये आपको सबको टिप्स पे करना है, ये इन क्वेश्चनों को करने का इजी वे है। अभी आप उनको टाइम लग सकता है इनको लिखने में, लेकिन अब मैं आपको बता रहा हूँ, जब आपको ट्रिक याद हो जाएगी आप इजीली हर किसी वर्ड का दिमाग में कर सकते हैं, आसानी से आप लिख सकते हैं इनको। अब देखिए दोस्तों, जिस तरीके से स्टडी का जी लिखा है इसने, एस का जी लिखा है, या फिर किसी का भी लिख सकता है, ऐसा पता नहीं चलता है अपन को। 19, देखिए दोस्तों, जिस तरीके से अपन जानते हैं एस, एस होता है 19 और उसका रिवर्स लिखा हुआ 8, और अपने पास यहाँ आ रहा है 7, हमें 7 निकालना है इसका, ठीक है दोस्तों। जिस तरीके से हमें देखा कि एच का माइनस वन किया है इसने, एच का इसने माइनस वन करके 7 लिख दिया है, ठीक है। आगे देखते हैं, क्या पता ये अपनी ट्रिक काम कर रही है या नहीं कर रही है। अच्छा, जी 7 किया है भाई, टी का जी उल्टा लिखा है, जी का टी का रिवर्स किया है जी, और जी का माइनस वन किया है, 6 किया है। देखिए दोस्तों, इजीली आप पहुंच रहे हैं आंसर तक, क्योंकि वर्ड ये हमें लेटर से ही खेल सकता है, ये कोडिंग डिकोडिंग में सिर्फ लेटर से ही खेल सकता है और न्यूमेरिक नंबर से खेल सकता है, और हम उन्हीं को सब लिख देंगे तो हमारे सामने साफ इमेज हो जाएगी कि इन इसके साथ हो क्या रहा है। देखिए दोस्तों, 6 का 7 हो रहा है तो ओके, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ प्लस 1 हो रहा है। तो हम अब इन चीज़ों पे पहुँच रहे हैं कि इन दोनों में तो माइनस 1 होगा, शुरू के दो का रिवर्स करके माइनस 1 करना है, और बीच वाले का रिवर्स करके प्लस 1 करना है। उसी तरीके से डी का 23 है तो हम पहुँच रहे हैं 22 पे, माइनस 1 हो रहा है, और बी, मैं आपको अलग पेन से लिख के दे देता हूँ, बी का हो रहा है 2 है तो माइनस 1 हो रहा है। समझ में आई दोस्तों कोडिंग? बहुत ही मैंने ट्रिकी क्वेश्चन बनाया है, आप इसको समझिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको बेसिक क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद कोडिंग डिकोडिंग में आप खुद क्वेश्चन अटैम्प्ट करें, ओके। तो इसी तरीके से चलते हैं, अब हम जानते हैं ट्रेन का कोडिंग करना है, हमें ट्रेन का कोडिंग करना है। इसमें फर्स्ट 2 लेटर का कैसे क्या इसका रिवर्स करना है। ट्रेन का रिवर्स क्या होता है, जी, जी का माइनस 1 करेंगे तो 6 आ जाएगा, 6 होता है एफ, भाई जी का माइनस 1, 8 का माइनस 1 किया 7 आया, 7 का क्या होता है जी, इसी तरीके से 7 का हो गया 6, इसी तरीके से 9 है, 9 का माइनस 1 करेंगे तो 8 हो जाएगा, तो 8 का हो जाएगा एच, 7 का माइनस 1 किया 6, 6 होता है फिक्स, 6 एफ, एच हो गया। इसी तरीके से 26 है, 26 हम लोग कर रहे हैं। अब हमने देखा था इसमें बीच वाले का प्लस 1 हुआ था, इसी तरीके से इसमें बीच वाले का प्लस 1 होगा, ए का रिवर्स किया जेड और जेड का प्लस 1 ए ही आता है। यही ट्रिक है कि जे का अगला क्या होगा, ए होगा, ओके। अब आगे देखिए, 18 मैंने लिया है, आई का रिवर्स लिया है 18, 18 में से 1 माइनस करना है मेरे को, क्योंकि हमारा माइनस 1 है इसमें। 18 का 17 का आपको बताया था जंगल प्रिंस, 16 साल का प्रिंस है और 17 साल की क्यून से शादी करेगा, तो क्यू 17 का क्यू, एम 13 का भी माइनस 1 हो जाएगा, एल लायन देखते ही 12 बज गए, ओके। दिस इज द कोडिंग ऑफ ट्रेन, आप देख सकते हैं दोस्तों, आपको मुझे लगता है आपको इजीली समझ में आ गया होगा, और ये मैंने बहुत ही मेहनत से वीडियो बनाई है। आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझिए और इस तरीके के सारे क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करिए, डेफिनेटली मैं कह सकता हूँ कि आप इसमें बहुत अच्छे मार्क्स ला पाएंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और रीजनिंग में इससे 2 या 3 क्वेश्चन SSC में पूछे जाते हैं अल्फाबेटिकली। तो आपको जब अल्फाबेट के बारे में सब कुछ जानकारी होगी तो आप इन क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और